360 एडवर्टाइजमेंट कंपनी के बतौर डायरेक्टर मोहित अरोड़ा ने दिल्ली के राजपथ नगर स्थित प्लेटफॉर्म कैफे में अपने आने वाले बाला शो मोस्ट रॉकिंग फैमिली का कॉन्सेप्ट बताया, जिसमें जगह जगह से आए जजेस और गणमान्य लोग मौजूद रहे। क्या कुछ कहना था इस मौके पर मौजूद लोगों का, देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया और मैं हूँ आपका अपना राज गुंजा। मोस्ट वॉकिंग फैमिली का जो आज पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के लाजपत नगर के प्लेटफॉर्म कैफे में रखा गया, जिसमें बच्चों की प्रतिभा को सबसे आगे लाने की बात कही जा रही है। आइए हम मोहित अरोड़ा से जानेंगे कि किन किन बातों को लेकर वो जो है आगे ला रहे हैं और बच्चों को किस तरह से वो बेनिफिट देंगे अपने शो में। आइए हम इनसे जानते हैं। शुक्रिया ये क्वेश्चन पूछने के लिए। और मैं काफ़ी सारे पहले फैशन शो कर चुका हूँ, इस बार बच्चों का फैशन शो करवाने के पीछे हमारा ये मोटिव है। काफ़ी सारे मॉडल्स को हमने आगे लॉन्च किया है, प्रमोट किया है, तो इस बार हम चाहते हैं कि बच्चों को भी कहीं ना कहीं स्टैंड दें, उनको आगे प्रमोट करें, उनको लॉन्च करें, उनकी फैमिलीज़ को दुनिया के सामने लेकर के आएँ। जो बच्चों में कुछ करने का जज्बा है उस जज्बे को सामने दिखाना चाहते हैं। हमने काफ़ी सारे स्कूलों में भी बात करी है, देखा जाएगा अभी हाल ही में 3-4 दिन के बाद हम काफ़ी सारे स्कूल्स को अप्रोच कर रहे हैं। हर स्कूल में जा जाके बच्चों के ऑडिशन लिए जाएंगे। हम अपने शो में 100 से 150 बच्चों को परफॉर्म करवा रहे हैं, जिसमें हम लोग बच्चों को एजुकेशन शिक्षा भी उसमें स्पॉन्सर करके दे रहे हैं, और बच्चों को कुछ उनके लिए और भी जैसे गिफ्ट्स हैं, स्कूल के रिलेटेड स्टडी बुक्स हैं, उनकी किताबें, पेंसिल, तो वो सब चीज़ें भी हम लोग उनको एज ए गिफ्ट दे रहे हैं इस शो में। देख ही रहे हैं लास्ट शो से भी हमारे साथ 200-250 लोग जुड़े हुए हैं, इससे पहले भी और काफ़ी लोग जुड़े, इस बार भी हमारे साथ नए नए लोग जुड़ रहे हैं। तो अभी भी मुझे यही उम्मीद है कि इस शो में भी मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले। जी बिल्कुल, हमने सीनियर सिटीजन के लिए भी प्लान किया है, इवन हमने प्लस साइज लेडीज के लिए भी प्लान किया है। वो सारे हमारे अपकमिंग शोज हैं, हम लोग उनके लिए भी प्लान करके चल रहे हैं। तो ये आपको हमारे अगले आने वाले शो के बाद हम लोग आपको लॉन्च करेंगे। मोहित अरोड़ा जी को पिछले 5 महीने से जानती हूँ, मैंने उनका एक शो किया है जिसमें मैं थर्ड रनर अप थी। उनसे बेटर एक कहते हैं ना, जब आप शो करते हो तो आपको वहाँ पर एक एनवायरनमेंट जो है वो भी मिलना चाहिए, वो मुझे अच्छा मिला तब मैंने वो शो किया। मुझे उनकी कंपनी बहुत अच्छी, बिल्कुल ब्राइट है। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शाय टाइप के होते हैं, स्टेज पर आके कुछ बोल नहीं पाते हैं। ये कॉन्सेप्ट उन्हीं बच्चों के लिए कि वो स्टेज पर आए, अगर वो खुद से कुछ नहीं कर पाते हैं तो हमने उनकी फैमिली वालों को भी अलाउ किया कि वो साथ में आए और उनका एक स्टेज फियर को ख़त्म करे। और उनको जो इसमें मिलेगा, एक तो उनका सबसे फर्स्ट है कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, नंबर सेकंड है मोहित जी उनको जो है आगे जितने भी अच्छे लेवल पे शो होते हैं उनमें उनको एक फ्यूचर उनका ब्राइट करेंगे, वहाँ पर उनको रिकमेंड करेंगे, और नंबर टू उनको एक पोर्टफोलियो शूट होगा। थोड़ा जी इस बार शो में बच्चों के लिए जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, दिस इज़ रियली डिफरेंट। उन्होंने बच्चों के बारे में सोचा, बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए जो ये शो है बहुत अच्छा है। इससे पेरेंट्स के साथ बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और बच्चों को भी एक थीम लाए हैं इस शो में। मोहित अरोड़ा जी बच्चों के लिए लाए हैं, किड्स के लिए जो स्पेशली लाए हैं वो बहुत कम लोग, और आज तक मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया है कि बच्चों के लिए। अदरवाइज मिस, मिसेस, मिस्टर, बहुत ढेर सारे शो हमने भी किए हैं और हमने भी देखे हैं, बट ये शो कुछ डिफरेंट होगा, ब्लास्ट होगा। मोहित अरोड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, जो देश में इस उभरती प्रतिभा के लिए वो काम कर रहे हैं। मैं एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मोहित अरोड़ा जी को इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, और यहाँ बच्चों को भी मोटिवेट करने के लिए हम आए हैं। हम लोग क्राइम को तो कोने कोने में जाकर कम कर ही रहे हैं, साथ के साथ बच्चों की उभरती हुई प्रतिभा को भी हम लोग यहाँ पर प्रोत्साहित करने के लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके आए हैं मोहित जी। इसमें सिर्फ हम बच्चों को और उनकी फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए मौका देंगे। जो बच्चे छोटे हैं और पेरेंट्स उनके टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जो बच्चे वॉक नहीं कर सकते वो अपनी मम्मी के साथ वॉक कर सकते हैं या अपने फादर के साथ वॉक कर सकते हैं, तो वही बॉन्डेशन है। क्योंकि आजकल के बच्चे क्रेच में रहते हैं, डेज केयर में रहते हैं, उनको अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ टाइम बिताने का मौका जरूर मिलेगा। यस, पहली बार कुछ और था, पहली बार इट वॉज जस्ट फॉर द फीमेल्स द मिस टाइटल, सेकेंड वॉज इट वॉज टू मिस एंड मिसेस, थर्ड टाइम इट वॉज मिस्टर, मिस एंड मिसेस, सो दिस टाइम यू नो वी हैव अ डिफरेंट, वी हैव इट फॉर किड्स ऑल्सो, सो दिस इज इन कॉम्बिनेशन। हियर वी आर वर्किंग ऑन द मेजॉरिटी ऑफ फैमिली, फैमिलीज आजकल बहुत ज़्यादा अलग हो रही है, सो दिस टाइम मोहित हैज ब्रॉट इन दिस कॉन्सेप्ट वेयर इन फैमिलीज को इंटैक्ट करके कैसे रखा जाता है, सो थोड़ा टाइम इफ दे कुड स्पेंड टुगेदर बिकॉज ऑफ मोहित, सो दिस इज व्हाट ही इज ब्रिंगिंग, सो बिकॉज ऑफ मोहित फैमिलीज आर गोना स्पेंड सम टाइम टुगेदर। बिल्कुल मिलता है, देखो आपको ऑडिशन में सबके बारे में नहीं बोलूंगी, मैं मोहित के उसमें बोलूंगी, रीजन बींग आई एम एसोसिएटेड विद हिम, बहुत सारे हो रहे हैं, फेक भी हो रहे हैं, लेट मी ऑल्सो पुट दैट आई ऑन दिस। सो मोहित का जो होता है आज तक जो मैंने ग्रोथ लेवल देखा, चाहे इसका इंडिविजुअल ग्रोथ लेवल हो या इसके पार्टिसिपेंट्स का ग्रोथ लेवल हो,
अच्छा जो बच्चे नहीं करते हैं उसको मैंने अपनी आंखों से मॉडलिंग कॉन्सेप्ट मिलते हुए देखे हैं, और जो अब बच्चे और निकलेंगे, मैं बच्चे बोल रही थी जो मिस एंड मिसेस वाले में से निकले, सो अब जो एक्चुअल बच्चे निकलेंगे आई एम श्योर उनको बहुत कुछ मिलेगा. प्लस वी हैव सम सरप्राइजेस फॉर देम, वी गोना यू नो गिव देम सम एजुकेशनल किट्स आल्सो, क्योंकि बच्चे हैं देश का भविष्य है, सो ऑब्वियसली विल बी सपोर्टिंग. सो हम उनको वो एजुकेशनल किट्स भी देंगे, हम कैश प्राइजेस भी हैं, मतलब आई डोंट नो आपको पता ही नहीं, वी हैव कैश प्राइजेस, सो इसमें हम उनको कैश प्राइजेस भी देंगे ताकि उनका थोड़ा बहुत एजुकेशन का जो गैप है वो मैनेज हो. क्या विशेष रहेगा? मोहित हिमसेल्फ इज अ विशेष, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो खुद ही एक विशेष है, क्योंकि जिस हिसाब से वो एफर्ट्स डालता है, एक अकेला इंसान जो दिल्ली का है भी नहीं, आपने राज्य बहुत क्लियरली बोला कि नहीं आप स्थानीय निवासी हो, मेरी पैदाइश ही दिल्ली की है, मोहित की नहीं है, पंजाब से ही लड़के दिल्ली में आके रहना, लोगों से मिलना करना अपने आप में एक विशेष कार्यक्रम. सो आई से दिस विशेष कार्यक्रम फ्रॉम अ विशेष पर्सन, एंड ऑब्वियसली यू नो ही इज जॉइनिंग, ही इज गेटिंग जॉइंट ऑल द विशेष पीपल इन इट. ऐसे ना आया हूँ, देखा प्रोग्राम, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, और ये तो मोहित अरोड़ा जी जो ये काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा लगा है, और बच्चों को इससे हौसला बढ़ रहा है, और ऐसे बड़े बड़े काम करते रहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, उनका साथ होंगे.